तो यार यादव साहब मुझे बताओ, ये पेन होता है तुम्हें, क्या होता है? नहीं, पेन कुछ नहीं होता, बस ये वाटर लेवल ऐसे हाथ लगाने से, अब कटिंग पे गया हूँ तो कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ दिख रही है। आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम कहते हैं गायनो, जो कहते हैं चेस्ट फैट। वो यूजुअली होता है कि आपकी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे आप कॉम्पिटिशन खेल रहे हो, चाहे आप कुछ ऐसा सप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हो या एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हो। तो मेरे साथ आज एक लड़के खड़े हैं जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, इनकी उम्र सिर्फ 18 साल की। दिखाइए अपनी बॉडी तो दिखाइए, ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जो चीज़ मुझे इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक आउट करी वो इनकी चेस्ट। चेस्ट पे आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है गायना, लेकिन जो इनके कोच हैं वो मेरे से बात करेंगे इस बारे में। पहले उन्हीं से बात करते हैं, कि ये 18 साल की उम्र में कैसे उन्हें बॉडी बिल्डिंग का चस्का। नाम बताओ अपना। अभिषेक यादव। यादव साहब, तो बॉडी बिल्डिंग का चस्का कैसे पड़ गया? सर बस एक ही चीज़ थी, पढ़ाई में मन नहीं था, बॉडी बिल्डिंग कर लें सर, लग जाओ इसमें। तो कब से कर रहे हो? होगी एक साल। एक साल में ऐसी बॉडी बना दी? 1 ईयर। क्या बात है यार। तो तुम्हें पता है ये चेस्ट का, तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ है चेस्ट के नीचे? ये डेना का ये वाटर लेवल थोड़ा मतलब तुम्हें पता है क्या, राइट? तो गुरु के बाद छोड़ दी थी। अच्छा, हाँ जी। तो तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें पता है इस चीज़ का, राइट? तो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आप ही बताइए, आप इधर आइए। तो मैं देख रहा हूँ, इधर आइए, इधर आइए, कि मुझे भी नज़र आ रही है लेकिन इतनी अच्छी बॉडी लड़के की, और ये चेस्ट ये कैसे हो जाता है, आपको कुछ आइडिया है? यस सर, एक्चुअली क्या है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं ना, अगर उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से गायनो की प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली ये स्टार्टिंग में कुछ गलत गाइडेंस की वजह से इनको हुआ है। अच्छा। फिर मैंने इन्हें बताया, ये एक्चुअली पहले से कम हो चुका है। अच्छा, पहले गलत गाइडेंस में कैसे, मतलब बताइए? मतलब किसी लड़के ने रेगुलर डायना की जो डोजेस होती है, हैवी डोजेस खिला दी थी एज 17 साल थी उस टाइम पे। 17 साल की उम्र में खिला दिया इतना? हाँ जी, एक्चुअली उसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अब धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है। इस कॉम्पिटिशन के बाद सबसे पहले इसी की PCT कराने के बाद ये जो गायनो की प्रॉब्लम है इसको रिजोल्व करना है। मैं इसके फेस पे एक्ने भी देख रहा हूँ, ये भी उसी का है? नहीं सर, ये तो नेचुरली है, इनके ना बचपन से ही थे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब यूजुअली ये जो तुम्हें आया ये उसकी वजह से? हाँ, डेनावॉल वगैरह यूज़ कर ली थी, गलत सप्लीमेंट यूज़ कर लिया था, तो गाइडेंस गलती उस वजह से प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, तो इनका डेना अब्यूज़ हुआ था उस वजह से हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका इलाज कैसे है, क्या करोगे, क्या इसका कैसे फिक्स करोगे इसको? बिकॉज बॉडी इतनी अच्छी और सब कुछ इतनी प्यारी लग रही है, वो बाहर आ रहा है, कैसे करोगे? एक्चुअली इसकी ना PCT करानी है इसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ऑयली चीज़ों से भी गायन हो जाता है, ऐसा नहीं है डेना खाने से होता है। तो वही चीज़ें सब देखते हुए इसका 2-3 मंथ्स कोई स्टेरॉइड नहीं देना, अभी फर्स्ट साइकिल है इसके, उसके बाद कोई स्टेरॉइड। तो क्या क्या दिया गया आपने इसको इस कॉम्पिटिशन के लिए? आपने नॉर्मल सर बेसिकली विंस्टॉल और टी प्रॉप। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ वो खेल के आप यहाँ लेके आए हो? तो अब मैं बुलाऊंगा हमारे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट जो मेरे साथ हैं, काफ़ी लड़कों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो लेट्स एनालाइज हिम, बिकॉज इनके थ्रू आपको, यादव साहब के थ्रू आपको भी शायद हेल्प मिल जाए कि आप गायनो को कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्या आप एंटी एस्ट्रोजन लें, क्या आप ऐसे लें कि आपको मिलेंगे। तो आप उनसे मिलते हैं यश से, सो लेट्स डू दैट नाउ। तो मेरे साथ है अब यश, आपने देखा होगा मैंने कई बार फीचर करा है, 2500 इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यश तुमने देखी ये प्रॉब्लम क्या है ये? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये कैसे फिक्स हो सकती है यादव साहब, कि 18 साल का बच्चा अभी तुम्हारी तरह ही है, तो कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं? बिकॉज कई लड़के देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसका क्या इलाज है। गायनो हमेशा सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, गायनो दो तरीके से हो सकती है, या तो प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड गायनो या फिर एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड गायनो। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट और ब्लड वर्क होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि ये एस्ट्रोजन के बढ़ने से हुए या फिर प्रोजेस्टेरोन। दोनों ही फीमेल हॉर्मोन्स हैं लेकिन दोनों के फंक्शंस बहुत अलग है, लेकिन दोनों ही गायनो इंड्यूस कर सकते हैं। तो अगर जैसे, तो दोनों का सोल्यूशन क्या है? जैसे इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया एस्ट्रोजन बेस्ड है, तो कैसे उसका सोल्यूशन है? अगर ये गायनो एस्ट्रोजन बेस्ड है तो हमें कुछ एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि रीमिडेक्स। लेकिन अगर ये प्रोजेस्टेरोन बेस्ड है तो हमें और टेस्ट करने की ज़रूरत है कि टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोजेस्टेरोन में, तभी हम जान पाएंगे कि हमें इसको एक्चुअली कैसे सोल्यूशन इसका निकालना। हाँ, कोच साहब ने हमें बताया कि इनका टी प्रॉप चला और इनका ये सब चला, तो उनके बारे में, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पर? अभी तो इनको सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये गायनो रिकवर करे, और ये काफ़ी हद तक रिकवर कर जाएंगे अगर ये अभी सब कुछ छोड़ देते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अरोमेटाइजिंग इसकी बढ़ती जाएगी, वापस नहीं आ सकती। हाँ गाइस, तो आप देखें ये प्रॉब्लम, आप देख सकते हो इतनी बढ़िया बॉडी हमारे यादव साहब की, इज़ ओनली 18, क्या अच्छे जेनेटिक्स सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी चेस्ट की प्रॉब्लम से वो, जैसे कहते हैं ना, आपकी नज़र वहीं जाएगी। सबके साथ मेरे ख्याल से 95% लड़कों को यही प्रॉब्लम है। तो यार यादव साहब मुझे बताओ, ये पेन होता है तुम्हें, क्या होता है? नहीं, पेन कुछ नहीं होता, बस ये वाटर लेवल ऐसे हाथ लगाने से, अब कटिंग पे गया हूँ तो कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ दिख रही है।
वरना गेनिंग पे था कोई ना पता नहीं चलती थी इतनी है। तो तुम्हें रियलाइज कब हुआ कि यार ये मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कब रियलाइज हुआ तुम्हें, पता लग जाता है क्योंकि शीशे में देख के राइट? ये तो चेस्ट मारता था ऐसे कभी कभार, ऐसे मेरे को तब मैं गाड़ी पे एक कपड़ा मारा था हल्की सी लगी था, हल्का सा ऐसे नहीं लगता क्या है वो चीज़ से पता चली। फिर मैंने भाई को बताई, भाई ने बोली डेना पहना वो खाई थी उसका ये है अभी बिल्कुल ही, मतलब भाई के मैं अंडर मैंने डेना नहीं खाई, तुम्हें शूट नहीं करी ना वो चीज़, शूट नहीं करी, वाटर लेवल हाई कर रही थी क्या कर रही थी ये मेरे को भी नहीं पता थी, जो जो उसमें किसी ने दी इससे मतलब पंप होएगी बढ़िया ये होएगी मैंने ला दी थी भाई 50 इस चीज़ में। कितनी खाली थी? मैंने अराउंड 50 to 60 एक ही बारी में? नहीं मतलब रेगुलर ऐसे। रोज की कितनी चल रही थी? जिम से एक्सरसाइज से पहले बस, तो उसके बाद हुआ तुम्हें ये जो हुआ? और मेरे से यही बोली गई थी कि सुबह शाम दो टाइम लेकिन मैं लेता था जिम से पहले। तो तुम्हें कितने दिनों में ये होना शुरू हो गया, तुम्हें रियलाइज हुआ? ये हो गया था 35-40 डेज में 40। तुम उनके पास गए ट्रेनर के पास, पूछा नहीं यार ये क्यों हो रहा है, क्या बोले? कोई नहीं अपने आप चले जाएगी, छोड़ेगा वाटर बस स्टोर हो रहा। तो कम हुआ? कम तो नहीं हुआ है राइट? ये कम तो नहीं हुआ लेकिन अब कुछ जाके अंतर हैगा। अब इस कटिंग में करीब मैंने कटिंग अभी 1.5-2 महीने अच्छी तरह, तब ये जाके थोड़ा लग रहा है कि हाँ कम है। इनको गलत गाइडेंस मिली, इनको गलत गाइडेंस मिली, किसी ने डायना अब्यूज़ करा दिया, बच्चा था पता नहीं होगा ले लिया, तो सब प्रॉब्लम हो गई गाइस। तो इन चीज़ों से दूर रहो, जैसा बताया यश ने, टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ कि ये किस वजह से है, और सबके इलाज हैं यार, तो वही चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी। मैं यश का इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा यहाँ पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कुछ, आपको इसके बारे में कुछ जानना हो तो यू कैन आस्क हिम। लेकिन हम यादव साहब को करेंगे ऑल द बेस्ट, क्योंकि इनका पहला कॉम्पिटिशन, टैनिंग अभी करी नहीं? अभी नहीं करी। तो टैनिंग करने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त लगने वाले हैं, तो उनको वॉच आउट फॉर हिम। बट हाँ छोटी सी उम्र में सब कुछ फिक्स हो सकता है, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत है।